हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शुरू में बात करने वाले एक्सपल्स प्रो वेरिएंट की। जी हाँ, 400 में आपको एक्सपल्स प्रो वेरिएंट देखने को मिली है, जो कि हीरो की तरफ से दोस्तों एक नया मॉडल है। इसके बारे में कंप्लीट आज के शुरू में बात करने वाले हैं। क्या इसकी सीट हाइट है, क्या इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और आप लोग देख पा रहे हैं इसकी जो सीट हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। और इसमें कुछ और भी अपडेट किए हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं एक्सपल्स प्रो वेरिएंट के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोगों के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप इस बाइक का कंप्लीट लुक देख लीजिए, कैसा लुक लग रहा है, कैसा इसका डिज़ाइन, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से लुकिंग वाइज ये बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप दूसरी 200 सेगमेंट की बाइक से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा जो लुक है आपको इसका देखने को मिल जाता है। और आई थिंक ऑफ रोडिंग के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑफ रोडिंग में आई डोंट थिंक इससे अच्छा कोई ऑप्शन आपको मिलेगा इस प्राइस टैग में। ऑब्वियसली बात है, प्राइस टैग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इसमें आप लोगों को 199.6 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व जो इंजन हमें इस बाइक में देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके पावर के बारे में, तो ये बाइक अराउंड 18.9 के आसपास की पीएस पावर जनरेट करती है, एंड 17.35 के आसपास का जो टॉर्क है वो हमें इस बाइक में देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक 200 सीसी में इनफ है। इससे ज़्यादा पावर की नीड नहीं हमें इस बाइक में, और ऑफ रोडिंग करने के लिए भी इतनी पावर इनफ है। ये बाइक 5 गियर ऑप्शन के साथ में आती है, प्लस इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। यू कैन सी यहाँ पे जो छोटा सा रेडिएटर है वो भी कंपनी ने यूज़ किया है, ताकि बाइक का जो इंजन है वो कूल रह सके। तो ये दोस्तों, और ऑब्वियसली बात है, हीरो का इंजन है तो इंजन की जो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपको पता ही है हीरो पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, तो इंजन जो आपको इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको FI की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है, और आपको पता है अभी भी जितनी बाइक आती है फ्यूल इंजेक्टर के साथ में आती है, और ये नई E20 मॉडल है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको एक्सपल्स प्रो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे 4 वॉल्वो की ब्रांडिंग आपको इस बाइक में मिल जाती है। फ्रंट में आते हैं, आप देख पा रहे हैं इस बाइक के सस्पेंशन, यहाँ पे आपको बाइक में 37mm के जो सस्पेंशन है वो देखने को मिलेंगे, जो कि फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन है। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट टायर देख पा रहे हैं, इसका जो व्हील साइज़ जो है आपको कितना ज़्यादा बड़ा देखने को मेरा, बहुत बिग साइज़ में दिया हुआ है, ताकि आप अच्छी तरीके से इसमें ऑफ रोडिंग कर सकें। और अगर बात करें इसके फ्रंट टायर साइज़ के बारे में, तो इसमें आप लोगों को फ्रंट में 1990 की टायर साइज़ देखने को मिलती है, जो कि 21 इंच व्हील के साथ में आती है। तो व्हील जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। और अगर बात करें ब्रेकिंग के बारे में, तो इसमें आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS मिलता है। और अगर बात करें प्लेट साइज़ के बारे में, तो फ्रंट में इसमें आपको 276 के आसपास की जो प्लेट साइज़ है वो आपको फ्रंट में देखने को मिलती है। हालांकि मैं इस बाइक को राइड भी करने वाला हूँ, राइड करके भी आपको इसके बारे में कंप्लीट बताऊँगा। अब आ जाते हैं फ्रंट में, फ्रंट में देख लेते हैं इस बाइक की लाइट्स। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को बाइक में, ये आप जो देख पा रहे हैं ये जो ब्रांडिंग है ये H देखने को मिल रही है, जो कि आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलती है। देख पा रहे हैं यहाँ पे H बनता है, जो कि इसकी DRL लाइट है। मेन लाइट के बारे में बात करें, तो मेन लाइट में इसमें आपको फुली LED सेटअप में जो लाइट है आपको इसमें देखने को मिलती है। लाइट की जो इल्यूमिनेशन एंड जो विजिबिलिटी है ना, वो भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की नीड है। कंपनी ने यहाँ पे जो लाइट है वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, आई थिंक बहुत अच्छी लाइट यहाँ पे दी गई है। बात करें इसके टर्न सिंगल लैप के बारे में, तो ये आपको इसमें बल्ब देखने को मिलते हैं, ये भी आपको काफ़ी बेहतर मिलेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे इसका वाइजर, यहाँ पे जिसे हम विंडशील्ड भी कहते हैं, ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया है। जब आप इसमें राइड करेंगे तो आपको मतलब फील होने वाला है कि इसकी जो विंडशील्ड है वो विंड ब्लास्ट के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। जब आप इसे राइड करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से फील होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं रियर की तरफ। रियर में आप देख पा रहे हैं ये बाइक का एग्जॉस्ट है, मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी दे दूंगा। एग्जॉस्ट नोट आप लोगों ने सुन भी लिया होगा आई थिंक, कि एग्जॉस्ट जो है इसका काफ़ी बेसी आपको मिलता है, क्योंकि 4 वॉल्व इंजन है एंड 200 का इंजन है, ऑब्वियसली बात है तो आपको बेसी साउंड मिलेगा ही मिलेगा। रियर में इसमें आपको 220 mm की जो डिस्प्लेट है वो आपको रियर में इसमें देखने को मिल जाती है। बात करें टायर साइज़ के बारे में, तो रियर में आपको 120/80 की टायर देखने को मिलती है। ब्रांडिंग की बात करें, तो CEAT की टायर है, और आप देख रहे हैं ऑफ रोडिंग टायर है, तो ऑब्वियसली बात है भाई ऑफ रोडिंग बेस्ड है, ऑफ रोडिंग टायर आपको इसमें मिलेंगे। रियर में इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन है। आप अपने हाइट के हिसाब से इसे थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके एकदम रियर की तरफ। सबसे पहले आप रियर का लुक देख पा रहे हैं, कि रियर का जो लुक है आपको इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो टेल लाइट है वो भी आपको काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिलती है।
उसके बाद अगर बात करें इसके सीट के बारे में तो देख पा रहे बाइक की जो सीट है वो भी आपको यहाँ पे बहुत बेहतर दी है, जो कि आपको स्प्लिट सीट नहीं आती, इसमें सिंगल सीट आती है। जनरली जितनी भी एडवेंचर बाइक मैंने देखा है उसमें सिंगल सीट ही प्रेफर की जाती है, वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में। मैं आपको इसका स्पीडोमीटर जो है वो कंप्लीट दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे यहाँ पर आप लोग सबसे पहले की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की की आपको इसमें देखने को मिलती है। स्पीडोमीटर के बारे में बात कर ले तो इसमें आप लोगों को फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। फुली डिजिटल मीटर है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे आपको टेकोमीटर मिलता है, दिस इज़ गियर इंडिकेटर, ये स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आपको ग्लॉक मिलता है, ये फ्यूल इंडिकेटर है। साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एवरेज भी है, कितना माइलेज देगी बाइक आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे टाइम है, दो स्विचेस दिए हैं आप देख सकते हैं, जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको और क्या क्या चीज़ें मिलेगी आप देख पा रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको ये एवरेज के लिए, हाँ, अब आपको इस बाइक में ABS पे मोड भी मिलते हैं। ये एक मेजर अपडेट है इस सली मॉडल का, पहले आपको ये चीज़ नहीं मिलती थी, बट आपको ये चीज़ मिलेगी, जिसमें आपको नंबर ऑफ 3 मोड्स मिलते हैं, एक है रोड, एक है ऑफ रोड और एक है रैली। देख पा रहे 3 मोड्स आपको मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। बाकी स्विचेस के बारे में बात करें तो दिस इज़ पास सीस, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल लैंप, हॉर्न आपको दे देता हूँ, दिस इज़ हॉर्न, ये आपका इंजन किल सी, सेल्फ का जो स्विच है वो आपको बाइक में मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको लगभग 13 लीटर के आसपास की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको इस बाइक पे देखने को मिल जाती है। अच्छी खासी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बाइक में देखने को मिल रही है, जिसमें आप एक बार में फ्यूल करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट हाइट के बारे में। अगर बात कर ले तो भाई इसकी जो सीट हाइट है वो तो भाई आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हम जैसे पर्सन के लिए तो प्रॉब्लम होगी, बट आई थिंक एडजस्टेबल करके हम थोड़ा राइड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट रखता है। सीट हाइट जो इसकी 891 mm की है, 891 mm की इसकी सीट हाइट है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ आई थिंक मैं उसे उठा लूँगा। यू कैन सी सीट हाइट, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पैर ऐसे हैं, ठीक है। तो भाई इसकी जो सीट हाइट है वो काफ़ी मुझे लगी, ठीक है। लेकिन हालांकि आप चाहे तो बेस मॉडल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये ले। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 270 mm की है, 270 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑफ रोडिंग के लिए तो वो तो आपको बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। और इसकी आप देख पा रहे हैं डैश प्लेट, इंजन डैश प्लेट, इंजन गार्ड भी आप कह सकते हैं, इंजन प्लेट भी आप कह सकते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और अगर बात करें इसके वेट के बारे में तो इसका जो वेट है अराउंड 161 किलो इसका वेट है। तो आई थिंक वेट कोई ज़्यादा नहीं है, इतना वेट बेहतर है, इतने वेट में आप इसे अच्छी तरीके से कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हीरो एक्सपल्स प्रो वेरिएंट जो है आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ये लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, और आई थिंक आपको इसके साथ में जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जाना चाहिए। और हीरो की बाइक है, आप बिना किसी डाउट के इसे खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।